गुड इवनिंग एवरीवन। इसके पहले के दो वीडियोस में मैंने आपको बताया कैसे इन्वेस्टमेंट करते समय कौन से ऐसे पैरामीटर्स है जो आपको ध्यान में रखना है। पहला पैरामीटर मैंने आपको बताया बी रियलिस्टिक, और दूसरा पैरामीटर बताया डाइवर्सिफिकेशन। आज मैं आपको थर्ड पैरामीटर बताऊंगा विच इज़ रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन्वेस्टमेंट में और ट्रेडिंग में, दोनों साथ में। ये जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा आप इसे ट्रेडिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले इन्वेस्ट इन दो स्टॉक्स इन विच यू हैव नॉलेज, यानी कि जिन स्टॉक्स का आपको नॉलेज है उसी सेक्टर में आप इन्वेस्ट कीजिए, उसी स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कीजिए। ऑलवेज इन्वेस्ट एज पर योर रिस्क एपेटाइट एंड कैपिटल। अपने रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखिए, उसी हिसाब से आप इन्वेस्ट कीजिए। अपने कैपिटल को ध्यान में रखिए, उसी हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए। डू नॉट डू ओवर बाइंग और ओवर ट्रेडिंग, यानी कि जितना कैपिटल है उतना ही आप बाइंग कीजिए, जितना आप कैपिटल है उसी हिसाब से आप ट्रेड कीजिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रेडिंग के सेंस में है ऑलवेज अप्लाई 1% रूल, यानी कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो 1% ऑफ योर टोटल ट्रेडिंग कैपिटल हर एक ट्रेड के लिए आपको स्टॉप लॉस अप्लाई करना है। और लास्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट इन्वेस्टमेंट भी काम आएगा, आपको ट्रेडिंग में भी काम आएगा, डोंट बी रिलक्टेंट इन सेलिंग एंड डोंट बी स्टबर्न इन बाइंग। यानी कि जब भी एक एंट्री मिल रहा है पॉइंट एक पर्टिकुलर स्टॉक में तो इमीडिएटली उस लेवल पे एंट्री कीजिए, और जब अगर आपका ट्रेड वो उस फेवर में नहीं जा रहा है या आपके इन्वेस्टमेंट उस फेवर में नहीं जा रहा है तो इमीडिएटली उस स्टॉक को स्विच कीजिए या फिर सेल कीजिए। स्टबर्न मत होइए कि नहीं मुझे उस स्टॉक को अभी भी होल्ड करना है। जब इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर एक पर्टिकुलर स्टॉक के लिए स्टबर्न होता है तभी रिजल्ट इनकंसिस्टेंट होता है। आने वाले वीडियोस में और कुछ ऐसे पैरामीटर्स बताऊंगा जो हर एक इन्वेस्टर को ध्यान में रखना है व्हाइल डूइंग इन्वेस्टिंग। थैंक यू।